पानी के लिए बहुत दिक्कत था, तो दूर पानी ले जाना था, भर करके उस घर से उस घर ले जाना पड़ता था, नाद उसमें डालना पड़ता था, तभी दिक्कत होता था, दोनों हाथ से बाल्टी भर करके ले जाना पड़ता था। और बारिश उसमें ज़्यादा दिक्कत था कि स्लिप उलिप खेले पर गोड़े में चोट उट लगने का दिक्कत था, यही परेशानी था। अशरकपुर और सालेपुर दोनों जनगह के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठक करके एक रणनीति तय की गई। इसके अंतर्गत घर घर पाइपलाइन बिछाई गई, हर घर को कनेक्शन दिया गया। इसके पश्चात जिन कार्य योजनाएं बाकी थी उसको पूर्ण किया गया। मैं पंप ऑपरेटर का काम करता हूं। जब से योजना बना हुआ तभी से मैं काम यहाँ पे करता हूँ। जो लीकेज होते हैं, जो भी फॉल्ट होते हैं, जो भी दिक्कतें होते हैं, उसके लिए मैं ग्राम प्रधान अधिकारी और ग्राम जल जीवन मिशन के अधिकारियों को सूचित करता हूँ। और सुविधा शुल्क तसलने में भी मदद करते हैं। सुविधा शुल्क 50 रुपये लगता है और उसको कलेक्ट करने के लिए ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान जी हमारी मदद करते हैं, उनके साथ भी हम काम करते हैं। जब से यह सप्लाई का पानी आता है मैं इसी को बाल्टी में स्टोर करके अपने घर में रख लेते हैं, ताकि जब भी प्यास लगता है या खाना बनाने के काम में इसको इस्तेमाल करते हैं। सुविधा यह हो गया, पानी जब मिल गए किचन में आ गया, सब भरती हैं पीती हैं, कौन बीमारी नहीं है, समय बच गया, टाइम निकल जाता है, अपनों काम धाम कर लेती है, सब औरत सब अपन देखभाल करते हैं बच्चन को पढ़ाई लिखाई में, अपन रोजगार कर लेते हैं, सब खुश हैं। सुबह में 6 से 8 बजे तक पानी मिलेगा और शाम को 6 से 8 बजे तक, और काम करने के बाद टोटी को बंद कर दें, फालतू पानी नुकसान मत करें, पकड़े जाने में जो शुल्क लगेगा आपको देना पड़ेगा।